जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की नीति क्लियर कट, और नीति कहती है कि किसी भी सूरत में किसी भी स्तर पर आतंकवाद कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा चुनाव का मतदान होना है, मतदाताओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए जम्मू की पहाड़ियों से लेकर के कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल तक सेना के आतंकियों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल पर अचानक हलचल दिखी। कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल में एलओसी के करीब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिलते ही सेना के जवान एक्शन मोड में आए। आतंकियों के रूट को ट्रैक किया गया, मजबूत एम्बुश लगाया गया और घुसपैठ करते आतंकियों को चैलेंज दिया गया। तंगधार में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि माछिल में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों के मारे जाने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन सेना का चल रहा है, ताकि कोई आतंकी छिपा हो तो उसे ढूंढा जा सके। एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ तो नाकाम की गई, तो जम्मू में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। जगह थी राजौरी का गुंडा खवास। जो फायरिंग है वो लगातार हो रही है और अभी भी जो रुक रुक कर फायरिंग है वो की जा रही है। सुरक्षा बलों का मकसद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। आपको बता दें कि गुंडाखवास का ये जो लाठी इलाका है, ये एक समय पर आतंकियों का जो है गढ़ हुआ करता था, और इस समय भी लगातार जो ऑपरेशन है इन्हीं पहाड़ी के इलाकों में यहाँ पर चल रहा है। और इसीलिए जिमीडिया की टीम जो है वो आउटर कोर्ट में इस समय मौजूद है, जहाँ कई सारी ऐसी सेंसिटिव विजुअल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ साझा नहीं कर पाएंगे, बट साफ तौर पर कोशिशें सुरक्षा बलों की यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को किया जाए। गुंडा खवास की पहाड़ियां जंगलों से घिरी हैं। जंगलों में घुसकर आतंकियों के खिलाफ सीधा ऑपरेशन करना खतरे वाला हो सकता है, और इसी वजह से पहाड़ियों के चारों तरफ सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। जंगलों में छिपे आतंकियों की लोकेशन पता करने के लिए ड्रोन को एक्टिवेट किया गया, ताकि सेना सही जगह पर प्रभावी कार्रवाई कर सके। इस वक्त राजौरी की पहाड़ियों में बरसात हो रही है, साथ ही धुंध है, और धुंध का सहारा लेकर आतंकी फरार हो सकते हैं। ऐसी किसी कोशिश को नाकाम करने के लिए एनकाउंटर साइट के नजदीकी इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई और हर आती जाती गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पिछले एक साल के अंदर पीर पंजाल के दक्षिणी पहाड़ियों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी। राजौरी समेत पुंछ, डोडा और कठुआ में नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के शैडो गुटों ने ली है। मतदान के दौरान आतंकी गतिविधियां ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने जम्मू के इन क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट और एरिया डोमिनेंस दोनों बढ़ा दिए। जम्मू से रजत वोरा के रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अतिरिक्त तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए अर्धसैनिक बलों की 500 अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हुई, यानी 5,000 से ज्यादा जवान। ये सभी जवान राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ में चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा करें। जम्मू से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तैनाती में 2,000 जवानों की बढ़ोतरी की। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में रात के समय गश्त को भी बढ़ा दिया गया। ये तैनाती और ये तैयारी बताती है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित करना आतंकी संगठनों के लिए नामुमकिन साबित हो। Z News.